बॉईल कर लिया है क्योंकि चॉप्स रखी हुई थी, बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम गई थी, मैंने सोचा कि मेरी चॉप्स ख़राब वराब ना हो जाए, लेकिन ख़राब तो नहीं होती, इस तरीके से रखी हुई थी, फ्रीजर की ट्रे में रखी हुई थी, बट हमने सोचा कि एक बार इसको बॉयल कर लेते हैं और उसके बाद जब मसाला लगाना होगा जब लगा लेंगे। तो अभी हमने इसको बॉयल कर लिया, एक बार हम हमेशा भी जब करते हैं तो बॉयल कर लेते हैं हल्का सा, उसके बाद मसाले लगाते हैं, तो ऐसा पीना चाहे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, ये भी ना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। उसमें थोड़ा सा काली मिर्च डाल के पी लें और थोड़ा सा गर्म मसाला ऊपर से डाल लें, लेकिन अब क्या करा जाए, हमें फ़ायदे की कहाँ पड़ी, हमें तो अपनी टेस्ट की पड़ी रहती है, जैसे आपकी मर्ज़ी, उसको रख दें काम आ जाएगा, मटन स्टॉक बहुत ज़्यादा काम आता है। इधर हमारी चाटी रख दी है, इसको हम थोड़ी सी भाप लगा, भाप लग जाएगी इसको, और उसके बाद हम फ्रिज में रख देंगे। और ये हमारा नेक्स्ट डे, और अब हम बनाने जा रहे थे चॉप्स, और ये चॉप्स को फ्रिज में रख गए थे तो इसका रंग जो है वो थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक सा हो गया था। आप हमेशा भी इसमें ध्यान रखें कि आप कभी भी गोश्त वोश्त उबालेंगी तो उसमें रंग वाला ना जाए। तो ये सारे स्पाइसेस हमने लिए हैं, सबसे पहले हमने इसमें यहाँ पर लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने आधा कप लिया है, और ये हमारा धनिया पाउडर 4 बड़े चम्मच, फिर हमने लिया यहाँ पर गरम मसाला 1 चम्मच, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्चा लिया है हमने, वो सब हाथ जल्दी, लाल मिर्चा लिया है 2 बड़े चम्मच, हल्दी 1/2 चम्मच, नमक 1/2 स्वाद अनुसार, और ये पूरा 1 लेमन हम इसमें स्क्वीज कर देंगे, आधा उसमें स्क्वीज करेंगे और आधा रख देंगे। और यार रोड निकाल रहे थे हम, उसमें पन्नी फटी वटी होगी तो गिर गया था। और बस अब हम तैयारी करने जा रहे हैं चॉप्स बनाने की, तो सबसे पहले हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसमें हम सारे मसाले शामिल कर देंगे, क्योंकि जब हम चॉप्स को हम पहले से बॉईल कर लेते हैं 2-3 सीटी में चॉप्स अच्छे, क्योंकि चॉप्स होती है ना तो ये मतलब टाइट अच्छी नहीं लगती है ऐसे। अब चिकन तो होता है, चिकन में कोई मैरिनेशन हमें नहीं चाहिए होती, आप आधा घंटा मैरिनेट कर दें चिकन हमारा, खूब अच्छे से बढ़िया सा मैरिनेशन हो जाता है, खूब अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। लेकिन ये सब चीज़ें ऐसी रहती हैं, ये मटन की चॉप्स हैं या मटन की बोटियाँ हैं, तो हमें मैरिनेशन के लिए हमें एक घंटे का टाइम तो मैक्सिमम चाहिए, तो इसलिए ये सब चीज़ें हमारी ऐसी होती है। तो हमने इसको देख लीजिए मिक्स कर दिया, तो चॉप को हमने पहले से ही गला लिया था, गलाने के बाद हमारा मसाला खूब अच्छे से इसमें कोट हो जाएगा। और ये हम बना रहे थे KFC स्टाइल चॉप, और ये चॉप्स आपने शायद ही पहले खाया हो, तो अगर आपके पास चॉप्स अवेलेबल हो तो आप बना सकते हैं, अगर नहीं अवेलेबल हो कोई बात नहीं, आपको ज़्यादा पसंद हो आप मार्केट से भी लेकर बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। क्योंकि ये वीडियोस मेरी बहुत पहले की रहती हैं, क्या मालूम आपके पास ये वीडियो कब पहुँचे कि हमारी बकरीद भी ख़त्म हो जाए और बकरीद का महीना भी ख़त्म हो जाए, क्योंकि इतना टाइम तो मैं रहता नहीं है कि हम उसी टाइम शूट करें उसी टाइम डाल दें, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस टाइम आप जानते हैं UP बोर्ड का रिज़ल्ट निकल चुका है और एडमिशन के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ हर जगह उठानी पड़ती हैं, तो इसीलिए टाइम तो बिल्कुल नहीं रहता, एक बार TC के लिए जाना पड़ता है, एक बार कभी कैफ़े जाना पड़ता है, तो कभी कहीं कहीं, तो इसलिए मैं सारी वीडियोज़ पहले बना लेती हूँ, और एडिटिंग में भी टाइम अब जा पता नहीं कब एडिटिंग कर पाएँ, तो आपको ये वीडियो कब मिले, तो इसलिए आप पहले की वीडियोज़ आपके पास आती जाती रहेंगी। तो आपको अगर वीडियोज़ की डेट में अगर थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करनी पड़ी है तो प्लीज़ बी एडजस्ट, ओके। सो हमने ये यहाँ पे ले लिया है कॉर्नफ्लावर, और कॉर्नफ्लावर में हम इसको पूरा बाइंड कर देंगे, बाइंड करने के बाद हमारा ये ऑयल वॉल गर्म हो गया था, उसमें हम एक पीस डाल देंगे, क्योंकि इतनी क्रिस्पी ये चॉप्स बनी थी ना, बिल्कुल मज़ा आ जाए। अगर आप ताज़े गोश्त में बनाएंगे तो और ज़्यादा ताज़ा बनेगी, क्योंकि हमारा बकरीद का गोश्त 1 हफ़्ते बाद ही, कोई बकरीद के उसी दिन तो बनाने नहीं लगता है, तो जाहिर सी बात है 1 हफ़्ते बाद ही इंसान बनाता है, तो इसीलिए तो पता नहीं मेरी वीडियोस कब आ रही हूँ, टाइम टू टाइम तो आ नहीं पा रही है ना, तो इसलिए आप लोग प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है क्योंकि इस टाइम बिल्कुल भी टाइम नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा काम है इसके, मैं वीडियो बना भी नहीं रही, जो बना रहे हैं आपके लाइन से इधर आपको वीडियोज़ मिलती रहेंगी एक दिन छोड़ के, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप पहली बार आए, तो हमारी और वीडियोस देखिए, इंशाल्लाह आपको मेरा चैनल बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और बस अपने और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए आप लोग, और इस टाइम तो बारिश हो रही है हमारे यहाँ भी, क्योंकि सावन अवन जब लग जाते हैं तो जाहिर सी बात है बारिश होती है। वॉइस ओवर मैं बहुत देर से करती हूँ ना, तो इसलिए वीडियो बना के मैं ऐसे जाती हूँ, बाद में एडिटिंग आराम से करती हूँ। अभी 4-5 वीडियो मेरी ऐसी पड़ी कि बिना एडिट करी हुई पड़ी है, तो इसीलिए तो यहाँ पे देखिए सब चीज़ को हम ऐसे कोट कर लेंगे,
मैं क्या बात कर रही थी, चार पांच वीडियो मेरी ऐसे ही पड़ी हुई थी बिना एडिटिंग के, अभी तो एक वीडियो में डाल देती हूँ उसके बाद उसको प्रीव्यूज हो जाते हैं, उसके बाद दूसरी वीडियो की मैं तैयारी करती हूँ, तो इसलिए। और ये देखिए आप, हमारी चॉप्स इतने अच्छे से हो रही, कितनी आप जानिए इतनी चॉप्स मेरी गल गई थी कि बिल्कुल हड्डी तक उसकी जो स्टिक है वो तक छूटी जा रही थी, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी, बहुत ही ज़्यादा। आप ऐसी कोई भी चिकन ले लें, आप ऐसी चिकन को मैरिनेट कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। कोटिंग तो एक ही तरीके का मसाला, चाहे चिकन हो चाहे कुछ हो, एक ही तरीके का मसाला लगता है। जाहिर सी बात है, जिंजर गार्लिक पेस्ट तो लगना ही लगना है, रेड चिली पाउडर तो लगना ही लगना है, बस कि थोड़ा मैदा लगता है, किसी में अरारोट लगता है और किसी चीज़ में बेसन लगता है। और जो हम ऐसी चॉप्स बनाते हैं तो वो तो बेसन तो लगता ही लगता है, लेकिन हमने बेसन इसमें बिल्कुल भी नहीं लगाया है। और यहाँ पे हमारी दाल फ्राई हो कर रहे थे, क्योंकि मैंने सोचा कि खाली चॉप्स अच्छी नहीं लगेगी, थोड़ी सी सूखी सूखी चॉप्स कहाँ खाएंगे, पेट तो नहीं भरता ना, आप जानते हैं सब चीज़ों में, तो थोड़ा सा गीले गीले सामान तो होना ही चाहिए, तो इसीलिए हम दाल भी फ्राई कर, लेकिन किसी ने दाल नहीं खाया, जो बात है सब ने चॉप्स खाई, लेकिन मैंने दाल चावल ज़रूर खाया। और ये देखिए दूसरा हमने डाल दिया था दूसरी शिफ्ट, और ये हमारी क्रिस्पी से आप देखिए बिल्कुल चिकन टेंडर्स की तरह हमारी चॉप्स लग रही हैं, और डार्क वाला मरून कलर, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी, जो बात है। अगर आप लोग सामने हो तो टेस्ट करें, बट आप लोग तो इसी से मज़ा ले सकते हैं आप देख देख के। और ऐसे ही मेरी वीडियोस को आप प्यार देते रहिए, और बस अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड दुआओं में हमको ज़रूर याद रखिए, और इंशाल्लाह हम भी आप सबको दुआओं में याद रखेंगे। और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, क्योंकि मेरा चैनल भी आगे हो जाए। तो बस अब आगे चल के मुहर्रम आने वाले हैं, तो मुहर्रम में सब्जी का शहादतनामा होता है, और हमारे यहाँ तो नहीं होता है वैसे, शहादतनामा होता है और शरबत बनता है, मरीदा बनता है। और मुझे याद है मैंने मुहर्रम से ही हमारी यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, इसलिए मुझे ये मंथ बचपन से ही बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों, मैं ईद में मेले जाने को मिलता था और मुहर्रम में आलम देखने को मिलता था, तो इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद है। बट अब तो लगता है ना आपके बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी कोई साल अच्छा नहीं जा रहा है, क्योंकि पढ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं हो रही लॉकडाउन की वजह से और कोरोना के चक्कर में, और सारे मेले सब चीज़ बंद हो गई है। और ये आप देखिए हमारा ये दूसरा ताव भी हमारे तैयार हो गया, क्रिस्पी से हमारे चिकन चॉप्स तैयार हो गई हैं माशाल्लाह से, बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी। और हमारी प्लेटर तो हमारी भी प्लेट तैयार हो गई थी, और ये हमने दही लिया था यहाँ पे, और ये हमारी चटनी बनाई थी हमने लहसुन वाली, और ये लीजिए हमारी प्यारा प्यारा सा खाना हो गया है तैयार। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपीज पसंद आई होंगी, अगर पसंद आ रही तो आपको लाइक करिए, और अगर आप मेरी रेसिपीज़ ट्राई कर रहे हैं तो मुझे फ़ीडबैक देना ना भूलिए। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी मैं नीचे मेंशन कर दूँगी, आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके सुल्तानों की दुनिया डाल के आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और मैं फेसबुक पे नहीं हूँ अभी इस टाइम, इंशाल्लाह जब आप मुझे इंस्टा पे प्यार देंगे, यूट्यूब पे प्यार देंगे, तो आप मैं ट्विटर पे भी अपना अकाउंट बना लूँगी, हर जगह अपना प्यार अकाउंट बना लूँगी। तो बस ऐसे ही अपना ख्याल रखिए, और ये हमारी जो चॉप्स बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गई थी ना, तो थोड़ी सी बोटियाँ बन गई थी, नीचे का जो मसाला होता है ना बोटियाँ बन गई थी, तो हमने उसको भी फ्राई कर लिया था, और ये भी ये अलग प्लेट में रख रही थी। तो बस ऐसे ही हमें दुआओं में याद रखिए, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।